नमस्कार देखने वालों, आई एम आयुष पाटिल, योर टुडेज होस्ट फॉर द वीडियो। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस एंड गर्ल्स। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अंडररेटेड राउंड ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस, द स्पॉट राउंड। ट्रस्ट मी गाइस, स्पॉट राउंड इज अ गेम चेंजर राउंड। इनफैक्ट बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कभी स्पॉट राउंड अटेंड ही नहीं करते, एंड दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन एवर मेक इन द काउंसलिंग प्रोसेस। आई एम फ्रॉम VJTI, माई ब्रांच इज इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइज, मेरे क्लास में बहुत लोग ऐसे हैं जो स्पॉट राउंड में लोअर ब्रांच टू इलेक्ट्रॉनिक्स आए हैं। अगर आपको CET में कम परसेंटाइल है तो डोंट वरी, स्पॉट राउंड इज योर सेकेंड चांस। ये आपको जीरो से हीरो बना सकता है। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। सो लेट स्टार्ट विद द बेसिक्स। ये स्पॉट राउंड होता क्या है एंड वाई इट इज इम्पॉर्टेंट। स्पॉट राउंड इज बेसिकली द लास्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस। ये तीनों कैंप राउंड्स के बाद कंडक्ट होता है। हियर द सीट्स आर अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर अवेलेबिलिटी एंड द मेरिट। बट हियर इज द थिंग, बहुत लोग इसे अटेंड ही नहीं करते, एंड दैट्स वेयर दे गो रॉन्ग। स्पॉट राउंड इज नॉट जस्ट अबाउट फिलिंग अप वेकेंट सीट्स, इट्स अबाउट गेटिंग अ सेकेंड चांस टू सिक्योर योर सीट इन योर ड्रीम कॉलेज और इवन अपग्रेडिंग योर ब्रांच। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि सीट्स वेकेंट कैसे रहते हैं। सो वॉट हैपन्स ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग द कैप राउंड, स्टूडेंट्स आर अलॉटेड सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट एंड देयर प्रेफरेंसेस। बट बहुत बार क्या होता है, द स्टूडेंट माइट नॉट टेक एडमिशन इन द अलॉटेड कॉलेज और माइट कैंसल हिज और हर एडमिशन ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। दिस क्रिएट्स अ वेकेंसी विच इज देन फिल्ड अप इन द स्पॉट राउंड। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मुझे अगर ब्रांच ए अलॉट हुई है विच इज अ लोअर ब्रांच एट कॉलेज ए विच इज अ रेप्यूटेड कॉलेज, बट एट द सेम टाइम मुझे ब्रांच बी अलॉट हुई है विच इज अ हायर ब्रांच देन ब्रांच ए एट अ कॉलेज बी, बट कॉलेज बी इज नॉट एज रेप्यूटेड एज कॉलेज ए। बट बहुत लोग होते हैं हु प्रिफर बेटर ब्रांचेस, तो वो कॉलेज ए छोड़ के कॉलेज बी में जाएंगे। इसकी वजह से कॉलेज ए में वेकेंट सीट्स हो जाएंगे। इन फैक्ट बहुत बार ऐसा भी होता है कि VJTI से लोग COEP जाते हैं, COEP से VJTI आते हैं, ICT जाते हैं, तो ये सब रीजंस की वजह से सीट्स वेकेंट रहती हैं। ये रही सबसे इम्पॉर्टेंट बात, स्पॉट राउंड्स आर कंडक्टेड एट द इंडिविजुअल कॉलेज लेवल। इसका मतलब ये है कि हर कॉलेज का अपना अपना स्पॉट राउंड होता है विद इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। सो बहुत ज़रूरी है कि आप इंडिविजुअल कॉलेजेस के जो आपके टारगेट कॉलेजेस हैं उनकी वेबसाइट कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहें। CET सेल वेबसाइट को आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो कितने स्पॉट राउंड्स कंडक्ट होते हैं? वेल, द नंबर ऑफ स्पॉट राउंड्स टू बी कंडक्टेड डिपेंड्स ऑन द वेकेंसी ऑफ द सीट्स इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज। अगर कोई पर्टिकुलर कॉलेज में ज़्यादा सीट्स वेकेंट है तो द नंबर ऑफ स्पॉट राउंड्स टू बी कंडक्टेड विल बी मोर। अगर कोई कॉलेज में ज़्यादा सीट्स वेकेंट नहीं है तो एक या दो स्पॉट राउंड में ख़त्म हो जाता है। स्पॉट राउंड में परसेंटाइल ड्रॉप भी देखने मिलता है, सो यू हैव अ वेरी गुड चांस कि आपकी ब्रांच अपग्रेड हो या फिर कोई पर्टिकुलर कॉलेज में आपको एडमिशन मिले। VJTI के बारे में बोलूँ तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ, और ट्रस्ट मी गाइज, मेरे क्लास में भी बहुत लोग हैं जो लोअर ब्रांचेस से इलेक्ट्रॉनिक्स में आए हैं ड्यूरिंग द स्पॉट राउंड। सिविल से इलेक्ट्रॉनिक्स आए हैं, इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रॉनिक्स आए हैं, मैकेनिकल से इलेक्ट्रॉनिक्स आए, बट अगेन दिस इज अ मैटर ऑफ लक, बट एट द सेम टाइम दिस इज योर सेकेंड एंड द ओनली चांस। हियर आर सम टिप्स टू क्रैक द स्पॉट राउंड। नोटिफिकेशंस पर ध्यान दें। जैसे मैंने कहा, आई एम रिपीटिंग अगेन, जो आपके टारगेट कॉलेजेस हैं उनके वेबसाइट्स कंटिन्यूसली मॉनिटर करें, एस्पेशली आफ्टर दी कैप राउंड्स। डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें, सारे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें रेडी रखें और ऑर्गेनाइज रहें। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, सो कीप देम रेडी। स्पॉट राउंड को अच्छे से समझें। जैसे मैंने कहा, स्पॉट राउंड इंडिविजुअल कॉलेज लेवल पे होता है और हर कॉलेज के अपने अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उनके गाइडलाइंस को फॉलो करें।
अपने चॉइसेस में फ्लेक्सिबल रहे। अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा कॉलेज अच्छी ब्रांच होना जरूरी है, लेकिन स्पॉट राउंड में आपको और अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने चॉइसेस में फ्लेक्सिबल रहें। क्विक डिसीजन मेकिंग। स्पॉट राउंड में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर सीट्स अलॉट होते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर क्विक इन योर डिसीजन मेकिंग, वरना आप अच्छी अपॉर्चुनिटी खो सकते हो। बैकअप प्लान। अगर आपको आपकी प्रिफर्ड सीट नहीं मिलती है तो एक बैकअप प्लान तैयार रखें। डोंट जस्ट बी डिपेंडेंट ऑन द स्पॉट राउंड। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, ये आपको कोई नहीं बताता, आपको स्पॉट राउंड के लिए एंड तक रुकना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें स्पॉट राउंड वन में नहीं मिलता और वो चले जाते हैं, बट नहीं, आपको एंड तक रुकना है। कोई भी स्टूडेंट किसी भी मोमेंट पे अपनी सीट कैंसिल कर सकता है और आपको आपकी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एंड द थिंग इज कि बाकी लोग चले गए तो इमीडिएटली जो वहाँ पे है उसे वो सीट मिल जाएगी। सो आपको इसके लिए तैयार रहना है। और एक बात है कि अगर मल्टीपल कॉलेजेस के स्पॉट राउंड एक ही दिन पे रहे, तो बहुत लोग ऐसा करते हैं कि स्टूडेंट कॉलेज ए में है, मम्मी कॉलेज बी में रहती है और पापा कॉलेज सी में रहते हैं, और तीनों कॉलेजेस के स्पॉट राउंड साइमल्टेनियसली चलते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये फॉलो करें। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम स्टे फोकस्ड, स्टे हेल्दी। अलविदा।